हेलो एंड वेलकम टू व्यू स्पोर्ट प्रिव्यू मेरा नाम है राहुल और आज के वीडियो में हम प्रिव्यू करेंगे द एफए कप फोर्थ राउंड मैच बिटवीन डाबी काउंटी एंड वेस्ट एम यूनाइटेड इस क्रिस प्रिव्यू में हम आपको देंगे दोनों टीम के प्रोबेबल लाइनअप्स एंड द बेस्ट फैंटेसी कॉम्बिनेशन फॉर दिस मैच तो चलिए शुरू करते हैं विद द बेस्ट प्लेस टू स्टार्ट विच इज द लीग स्टैंडिंग्स जैसे कि हम देख सकते हैं डाबी काउंटी और प्लेंग इन द ई लीग वन ये दो डिविजन कम है फ्रॉम द प्रीमियर लीग जहाँ पे वेस्ट हैम खेल रही है

डाबी होम पे खेल रही है सो द ओनर्स विल बी ऑन देम कि वो थोड़ा अटैक करे वेस्ट हैम को हालांकि डाबी काउंटर अटैक पे वेस्ट हैम को अटैक कर सकती है काफी हद तक ये हम, हमारा ख्याल है अब बात करते हैं फैंटेसी परस्पेक्टिव से फॉर डाबी काउंटी वी फील दैट डेविड मेकोल्ड्रिक इनके पास लीग एक्सपीरियंस है, है शेफील्ड यूनाइटेड ये इनके टॉप स्कोर अभी तक ये आपके फैंटेसी कॉम्बिनेशन के लिए अच्छे पिक बन सकते हैं अलॉन्ग विथ नूनेस एक वाइल्ड कार्ड पंट आप कह सकते हैं मैंडेस ले राइट विंग पे इनके टॉप असिस्ट प्रोवाइडर है अलोंग विथ सिक्स गोल्स एज वेल ये भी आपके लिए बहुत अच्छा कर सकते हैं बट कैवियट ये है कि इनके जो भी गोल्स है ये लीग वन में है ये कितने रेलिवेंट है हम बोल नहीं सकते अगेंस्ट अ प्रेमियर लीग अपोजिशन अगर मैं मिडफील्ड की बात करूं तो हैन एंड बोथ द सेंट्रल मिडफील्डर्स फॉर मिडफील्डी काउंटी कुड बी गुड पिक्स फॉर यू बिकॉज दे विल गिव यू टैकलिंग पॉइंट्स एज वेल एज सम पासिंग पॉइंट्स एज वेल एंड वी लाइक बोथ द फुल बैक्स कोरी स्मिथ एंड रॉबर्ट्स जो कि लेफ्ट बैक खेलते हैं डाबी के लिए दोनों थोड़े अटैकिंग है असिस्ट पोटेंशियल रखते हैं और उनके गोलकीपर है विल्ट स्मिथ जो हमें ज्यादा पसंद है इस मैच में क्योंकि वेस्ट हैम थोड़ा अटैक करेगी तो विल्ड स्मिथ अच्छी खासी आपको सेव पॉइंट्स दे सकते हैं अब चलिए बात करते हैं प्रॉबेबल लाइनअप फॉर वेस्ट हैम यूनाइटेड वी एक्सपेक्ट वेस्ट हैम टू लाइनअप इन थ्री फोर टू वन फॉर्मेशन अभी तक वेस्ट हैम फोर थ्री थ्री फॉर्मेशन में खेल रही थी बट फ्रॉम द लास्ट गेम टून विन अगेंस्ट एवर दे चेंज टू अ अन्न फॉर्मेशन इससे उनको रिजल्ट अच्छा मिला है एंड महीने बाद उन्होंने प्रीमियर लीग में एक गेम जीता था आफ्टर अक्टूबर लास्ट गेम वाज़ द द फर्स्ट टाइम वन इन लीग अ विन अगेंस्ट एवर्टन एंड हमें लगता है कि वो यही फॉर्मेशन कंटिन्यू करेंगे इस थ्री फोर टू वन फॉर्मेशन में आपके फैंटेसी परस्पेक्टिव से अगर बात करें तो बोवेन एंड बेड्रमा रहेंगे स्टैंड आउट पिक स्पेशली बोवेन स्पेशर के टॉप स्कोर है टैलिसमैन है उनका लेफ्ट फुट बहुत ही अच्छा है और आपके फैंटेसी टीम्स के लिए अच्छा इंपैक्ट करके दे सकता है एंटोनियो आपका अच्छा असिस्ट पोटेंशियल लेते हैं हार्ड वर्किंग फॉरवर्ड है बट ही रियली स्कोर दैट मेनी गोल्स बेड्रामा का रिसेंट फॉर्म काफी अच्छा रहा है ये भी आपको गोल्स में कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हैं और अगर मैं मिडफील्ड से बात करूं तो वी रिल लाइक डेकलिन राइस हार्ट बीट है वेस्ट हैम के मिडफील्ड से आपको हर तरह से कंट्रीब्यूट करके दे सकते हैं एंड वी लाइक बोथ द फुल बैक्स व्लाडीमीर कुफाइल एंड एमरसन दोनों विंग्स पे आपको अच्छे पॉइंट्स दे सकते हैं स्पेशली क्लीन शीट पॉइंट्स एज वेल एज सम चांसेस क्रिएटेड पोटेंशियल तो मिलता ही है फुल बैक से

तो ही हैज मेनी एवेन्यूज से वो आपको पॉइंट दे सकते हैं गोल्स असिस्ट चांसेस क्रिएटेड हर तरह से आपको जैर पॉइंट्स दे सकते हैं इस कॉम्बिनेशन में हमने वाइस कैप्टन किया है उनके अटैकिंग मिडफील्ड पार्टनर साहिद बेनरामा को लाइक आई सेड बहुत ही पॉजिटिव अटैकिंग प्लेयर है लेफ्ट विंग पे खेलता है वेस्ट एम के लिए गोल थ्रेड देते हैं आपको और अच्छा खासा असिस्ट पोटेंशियल भी देते हैं अगर मैं कंप्लीट मिडफील्ड की बात करूँ तो वी हैव राइस एंड पाकेटा फ्रॉम द वेस्ट सेंट्रल मिडफील्ड डैक्लिन राइस लाइक आई सेट कॉन्ट्रीब्यूट इन एवरी वे गोल्स असिस्ट पोटेंशियल है लॉन्ग रेंज गोल्स मार सकते हैं हेडिंग उनकी बहुत अच्छी है सेट पीसेस से और टैकल्स और पासिंग पॉइंट्स तो आपको देंगे ही ही बहुत ही सेफ पिक रहेंगे डेक्लिन राइस लुकिस पकेटा हमने लिया है आजकल सेंट्रल मिडफील्ड पे थोड़ा डीप खेल रहे हैं ये भी आपको चांसेस क्रिएट करके दे सकते हैं और अगर मैं डाबी काउंटी से बात करूँ तो वीव टेकन डेविड मैगोल्ड्रिक उनके टॉप स्कोर एंड कॉर्नर हुन कॉर्नर हुन के पास भी प्रेमियर लीग एक्सपीरियंस है विद एस्टन विला ये डार्बी काउंटी के सेट पीसेस लेते हैं और सेंट्रल मिड से गोल्स भी उन्होंने अभी तक कंट्रीब्यूट किए तो हमें लगता है कि हुरियन भी आपके लिए अच्छे पिक बन सकते हैं और अगर मैं डिफेंस की बात करूं तो वी हैव हाँ द थ्री मैन कवरेज ऑफ द वेस्टर्न डिफेंस अगर वेस्टर्न क्लीन शीट रखती है आपको अच्छा क्लीन शीट पॉइंट मिल सकता है इनसे स्पेशली एमर्सन पामेरी और व्लादिमीर कुफाल जो लेफ्ट विंग बैक और राइट विंग बैक खेलेंगे वेस्टर्म के लिए दोनों आपको चांसेस क्रिएटेड और असिस्ट पोटेंशियल काफी अच्छा देते तो वी फील दिस टू आर की पिक्स फ्रॉम द वेस्ट डिफेंस अग्ड भी हमने लिया है फॉर द सेट पीस थ्रेट एंड ऑफकोर्स द क्लीन शीट एंड पासिंग पॉइंट्स और अगर मैं डाबी काउंटी की बात करूँ तो रॉबर्ट जो कि डाबी के लेफ्ट बैक है इनका भी अप एंड डाउन रहता है आगे जाते हैं काफी असिस पोटेंशियल है काफी अच्छा रॉबर्ट्स का हमने इसीलिए उनको सिलेक्ट किया है and we've gone for the goalkeeper as Bill Smith from Derby County because we feel that he's going to get a lot of save points in this game. ऐसे ही और match reviews और fantasy combination के लिए जुड़े हमारे साथ हमारे Telegram channel पे जिसका link आपको description में मिल जाएगा और अगर आपको ये video अच्छा लगा तो please like this video, share this video with your friends and subscribe to our YouTube channel. Cheers guys.